आज का वीडियो एक छोटे से एक्सपेरिमेंट के साथ शुरू करेंगे। मैं कुछ नाम लूँगा, आपने वो सुनना है और मुझे बताना है कि आपके माइंड में क्या इमेज आती है। वो नाम है कोरमा, बिरयानी, नहारी, चिकन टिक्का, सीख कबाब, शामी कबाब। मेरे ख्याल में अब तक आपके माइंड में पुरानी दिल्ली आ चुकी होगी, वॉल्ट सिटी, जामा मस्जिद, उसके सामने वाला पूरा बाज़ार आपके माइंड में आ चुका होगा। वहाँ टिक्कों से उठता हुआ धुआं, वहाँ की खूबसूरत डिशेस, खुशबुएं। एक चीज़ और आपके दिमाग में आई होगी, ट्रैफिक जैम, भीड़ भाड़, पार्किंग की प्रॉब्लम। देखिए, ये बात बिल्कुल ठीक है कि मुगलई फूड अपनी सबसे बेहतरीन पोजिशन में वॉल्ट सिटी के अंदर बनाया और सर्व किया जाता है, लेकिन क्या ऐसा है कि इसके बाहर इसको बनाया नहीं जा सकता? इस रिवायत को तोड़ रहा है नज़ीर फूड्स। इन्होंने अपनी पूरी दिल्ली और NCR में बहुत सी ब्रांचेस खोल ली हैं। मुझे यकीन है कि आपके भी आसपास नज़ीर फूड की कोई ना कोई आउटलेट आपको मिल जाएगी। टेस्ट की रिवायत को बरकरार किए हुए हैं। देखते हैं क्या स्टैंडर्ड्स हैं, क्या ट्रेडिशंस हैं जो फॉलो की जा रही हैं। तो आइए चलते हैं नज़ीर फूड्स पे। नज़ीर फूड प्रीत विहार के अंदर हम आ चुके हैं और अंदर आते ही एक खुशबू का एहसास हुआ है। बाकी बात यहाँ के जो एरिया मैनेजर हैं उनसे करते हैं। अतुल मेरे साथ हैं। अतुल जी, सिग्नेचर डिशेस क्या हैं? सिग्नेचर डिशेस हैं हमारे मटन नहारी, चिकन लॉलीपॉप, चिकन कोरमा, तवा चिकन, चिकन टकाटक, जो सिग्नेचर डिशेज हमारी बहुत फेमस है। टेस्ट में हमारा कोई वेरिएशन नहीं आता है। मैं आपको टेस्ट कराऊंगा जो नज़ीर की बहुत फेमस डिश है, मटन नहारी एंड मटन स्टू। मटन नहारी वैसे भी हमारे चैनल पे थोड़ी सी डिमांड में रहती है, क्योंकि जितनी भी नहारीज मैंने दिखाई है वो सारी बफ नहारीज होती है। तो आज नज़ीर की मटन नहारी चेक करेंगे और इनकी कुछ सिग्नेचर डिशेज हैं जो अतुल ने मुझे बताई है वो चेक करेंगे। सबसे पहले इनका किचन चेक करेंगे, तो आइए किचन में चलते हैं। किचन के अंदर आ गया, मैं दोबारा से रिपीट कर दूं, मैं इस वक्त प्रीत विहार V3S मॉल वाले नज़ीर पर हूं। तो सबसे पहले अंदर आने के बाद हमारा हेडकैप से स्वागत हुआ, हमने हेडकैप लगा लिया, यहां सब लगाए हुए थे, सबके लिए उसूल एक जैसा है। दूसरी चीज़ जो मैंने अपनी कसौटी यहां पर आके चेक करी वो ये थी कि किसी भी किचन की मैं ज़मीन चेक करता हूं, अगर कहीं की ज़मीन साफ है तो समझ लीजिए वहां सफाई है, ऊपर सफाई है, ज़मीन गंदी है तो मान लीजिए कि आपके दिखाने के लिए सफाई कर दी गई है। ये ज़मीन बिल्कुल साफ है, सूखी है। यहाँ पर आने के बाद एक दो खुशबुएं जो मुझे आईं वो मैं बाद में बताऊंगा। अतुल मुझे दो मिनट दीजिए आप अपने। आप नज़ीर के वेस्ट में खाइए, नॉर्थ में खाइए, साउथ में खाइए, ईस्ट में खाइए, आपको फ्लेवर एक जैसा मिलेगा, यही इनकी कोशिश है। यहाँ पर मुझे ये ऐसा लगता है ये नहारी का मसाला लगा हुआ ना ऊपर का। हम चखेंगे इनकी मटन नहारी, यहाँ पे सिर्फ मटन यूज़ होता है, मटन नहारी भी मिलेगी आपको। मैं आज इनकी मटन नहारी चेक करूँगा और कुछ इनकी सिग्नेचर डिशेज़ हैं वो चेक करूँगा। फिलहाल एक ऑर्डर प्रिपेयर हो रहा है, देखेंगे किस तरह से वो ऑर्डर बनाया जाता है। चिकन टिक्का रोल दो, पेप्सी कैन एक, दो चिकन टिक्का रोल पास करो भाई। अचानक से खुशबू ने यहाँ पर एंट्री करी है, वो खुशबू है कोरमे की। अब मैं ये पूछता हूँ क्या कोरमा, भाई कोरमा बन रहा है क्या? अभी कोरमा का ऑर्डर आया, कोरमे का ऑर्डर आया। हम आपको बता रहे हैं खुशबू सुन के कोरमे का ऑर्डर लगाया जा रहा है। टकाटक रोल आ चुका है, ये इनकी काफी एक ऑल टाइम फेवरेट आइटम है। भगत, मैं यहीं शास्त्री नगर गीता कॉलोनी। हाँ जी, नज़ीर में हमें विश्वास है, पहले से ही है और हम
चार भले मानस खाना खा रहे हैं, मैंने उनसे पूछ लिया, मैं उनको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता हूँ, बात करता हूँ इनसे। भाई साहब कहाँ से आए? हापुड़ से। तो नज़ीर ही क्यों? अच्छा खाना पसंद है आपको, नज़ीर की तरफ से बताइए, कुछ और लाऊं? थैंक यू। अच्छा जी, यहाँ पर एक और फैमिली बैठी है बड़ी प्यारी सी, उससे बात करते हैं। पहले तो ये बताइए, आपको डिस्टर्ब कर सकता हूँ थोड़ा सा, कहाँ से आए? दिल्ली से। तो मतलब आज किसी शॉपिंग वगैरह पे निकले हुए हैं? क्या बात है, हैप्पी बर्थडे। तो बर्थडे सेलिब्रेट करने आए हुए हैं नज़ीर पे, इनसे पूछते हैं आपने ऑर्डर क्या किया? कबाब। इन्होंने ड्राई आइटम ऑर्डर की हुई है। अच्छा, नज़ीर ही क्यों चुना? बेस्ट है। चलिए थैंक यू, आपको बस इतना ही डिस्टर्ब करूंगा आपको। बारी है कि हम भी कुछ इनका खाकर देखें। मैंने यहाँ ऑर्डर किया है एक मटन नहारी, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है दिखानी, एक मटन नहारी, एक मटन स्टू, एक चिकन तंदूरी टिक्का, एक बिरयानी, मटन या चिकन जो भी हम लेंगे वो अंदर डिसाइड करते हैं। तो अब रिव्यू का टाइम है। ये बात नज़र आती है कि अगर आप कोशिश करें तो हर जगह हर चीज़ पैदा कर सकते हैं। नहारी हमारा पीछा नहीं छोड़ती, ना हमारे चैनल का। घूम फिर के यहाँ फिर नहारी सबसे पहले आ गई है, लेकिन फ़र्क ये है कि आज जो हम नहारी खाएंगे वो होगी मटन नहारी, प्योरली मटन की नहारी। जो चैनल पे कई लोग पूछते हैं कि जो बफेलो मीट नहीं खाना चाहते तो उनको अच्छी नहारी कहाँ मिल सकती है, नज़ीर पे मैं बैठा हूँ, सबसे पहले नहारी ही टेस्ट करूँगा। भाई साहब प्लेट। चीज़ें दोहरानी पड़ती हैं, लेकिन क्या करें, जब चीज़ सामने आती है तो कहना भी पड़ता है। मैं मल्टीपल टाइम्स ये बात बता चुका हूँ कि गोश्त हमेशा गुलाबी होना चाहिए, ना गहरा लाल ना सफ़ेदी पर, प्योर गुलाबी रंग है। बहुत अच्छी क्वालिटी का मटन मुझे लग रहा है, बाकी ज़बान बताएगी, जैसा कि हर बार मैं कहता हूँ। बटर इन्होंने इसके ऊपर से डाला हुआ था, खमीरी रोटी के साथ इसका सही कॉम्बो बनता है और बहुत खूबसूरत सी रोटी है। नहारी में सबसे पहली शर्त यह है कि गोश्त अच्छी तरह गला हुआ होना चाहिए, पहली शर्त है नहारी की। गोश्त गला हुआ है, थिक ग्रेवी है जैसा टेक्सचर होना चाहिए। अब क्योंकि ये एक ऐसी जगह पर है, फाइन डाइन है, स्ट्रीट फूड नहीं है, तो इसलिए इन लोगों के यहाँ जो आपको मसाले मिलेंगे वो एक मिड पॉइंट पर ही मिलेंगे। ये नहारी की रिक्वायरमेंट अगर तेज़ मसाले है, या अगर मैं तेज़ मसाले पसंद करता हूँ, यहाँ इनको ऐसे मसाले रखने कि सब खा सकें। वैसा ही मसाला है, तेज़ खाने वाला भी खा सकता है, हल्का खाने वाला भी खा सकता है, ना उसको नागवार लगेगा ना उसको कमी लगेगी। तो नहारी सो फार सो गुड। दूसरा निवाला लेता हूँ और इसका थोड़ा सा आपको फील। नहारी के अंदर जो गोश्त डलना चाहिए वो डलना चाहिए बोंगा गोश्त, जो कि हमें सामने नज़र आ रहा है। ये बोंग के गोश्त की बोटी है। दो मटन के पीसीज होंगे और नहारी आएगी। नियर अबाउट 300-320 रुपए से शुरुआत है, ये 400 तक जाती है, 450 तक। प्राइसिंग मैं आपको आज यहाँ नहीं बताऊँगा, क्योंकि हर चीज़ की काफ़ी डिटेल्ड प्राइसिंग है, वो आप इनकी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं और स्विगी जोमेटो पर तो ये अवेलेबल है ही। फ़िलहाल नहारी मुझे पसंद आई, मैं नहारी आसानी से पसंद नहीं करता हूँ कहीं की। और आप कहेंगे कि हर नहारी पसंद होती है जो मैं दिखा रहा होता हूँ, तो उसका जवाब ये है कि जो नापसंद होती है उसका वीडियो ही नहीं। जब नहारी आ गई तो हमारी तो कमज़ोरी है ही, आसानी से नहीं छोड़ती है। ग्रेवी का टेक्सचर है, जितना स्मूथ होना चाहिए उतना स्मूथ भी है, जितना थिक होना चाहिए उतना थिक भी है। कम खाने को मिलती है ऐसी नहारी, हमने आज तक ज़्यादा गुस्से वाली नहारियाँ ही खाई हैं, लेकिन ये एक नॉर्मल सी मिड पॉइंट पर नहारी है, बड़ी प्लीजेंट सी, अच्छी लग रही है। दूसरी आइटम जो यहाँ आज हमने टेस्ट करनी है वो है मटन स्टू। इनकी ये काफ़ी मशहूर डिशेज हैं, एक तो नहारी और एक ये मटन स्टू। रिच लग रहा है हर तरह से। देखते हैं मटन स्टू क्या कह रहा है। इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं है, एक लिमिटेड क्वांटिटी है ऑयल की। अच्छा जी, तो ये मटन का पीस जो है
अगेन अपने अंदर से चीख चीख कर ये कह रहा है कि भाई मैं गुलाबी हूँ और मुझे अच्छा गोश्त माना जाए। ये देखें, ज़्यादा बड़ा मटन होता है वो सख्त हो जाता है, थोड़ा काला पड़ जाता है। ये वो मटन है जो हम कोशिश करते हैं जब हमारे घर में मटन आता है तो हम इसी एज का मटन लेकर आते हैं। और ये देखिए, ग्रेवी का कलर नारी से बिल्कुल अलग है, काफ़ी बल्कि इंटायरली डिफरेंट है नहारी के रंग से, नहारी के फ्लेवर से। ये बिल्कुल अलग टेस्ट है, अलग मसाले हैं। बस अगर कोई चीज़ कॉमन है तो वो गोश्त की आला क्वालिटी ही कॉमन है, वो दोनों जगह महसूस की जा सकती है साफ तौर पे। ये देखें, स्टू की ग्रेवी भी काफ़ी थिक है, ग्रेवी ज़्यादा पतली नहीं होती है, थिक होती है और उसी अंदाज की है। थोड़ी सी वाइटिश होती है, रेडिश नहीं होती, थोड़ी सी ग्रेइश, थोड़ी सी पिंकिश, ये सब चीज़ें इसमें मिक्स होंगी आपको। छोटे साइज़ का जो मटन होता है हमेशा वही आपको ज़्यादा टेस्ट देगा और उसके अंदर स्मेल भी बिल्कुल नहीं होती है। वही सब चीज़ें यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ। 300 के आसपास ये प्लेट की स्टार्टिंग है और ये 400-450 तक जाती है, डिपेंडिंग ऑन द डिश एंड द साइज ऑफ प्लेट। स्टू हमने खा लिया, हमने नहारी चखी, नहारी अपने प्रॉपर टेस्ट पर है। जितनी नहारी आपको तेज़ मसालों की मिलती है, समझ लीजिए कि ये एकदम अपोजिट साइड पर होता है। इसकी ग्रेवी बहुत सटल मसालों की होती है, ये बिल्कुल चीखता नहीं है, नहारी चीखती पुकारती होती है, मैं पहले भी कह चुका हूँ। यहाँ पर जो हमारा स्टार्टर है, नहारी के चक्कर में स्टार्टर रह गया, हमें पहले स्टार्टर देख लेना चाहिए था, लेकिन नहारी सब पे फोकियत ले जाती है, हमारी मजबूरी है। तो ये तंदूरी चिकन स्टार्टर के तौर पर हमने लिया था और बड़ा खिला खिला सा है। ये विदाउट बटर होता है, तंदूर में सिका होता है, ऊपरी लेयर इसकी काफ़ी ठीक से इन्होंने सेकी हुई है। अगेन डिपेंड करता है आप किस एज का चिकन लगा रहे हैं। ज़्यादा बातें ना करते हुए एक निवाला मैं लेकर देखता हूँ। ये जो आपके सामने रखा है, चार पीसेस हैं तंदूरी चिकन के, 260 रुपये की इसकी प्राइस। बोटी है, मक्खन की तरह मुँह में घुल गई है। तो कोयले की स्मेल, मक्खन, ऊपर हल्की हल्की सी चिकन का अरोमा, जो चिकन के गोश्त की अपनी एक खुशबू होती है वो, और कुछ भी नहीं, अपनी नेचुरल पोजीशन पर ये है। थोड़े बहुत मसाले लगे हुए हैं, ओवरऑल मज़ा दे। ये इन्होंने इसके साथ ग्रीन चटनी दी है, हम थोड़ी सी चटनी लेते हैं। वैसे ये बगैर चटनी के बहुत अच्छा लगा मुझे, चटनी और प्याज के साथ एक निवाला खा कर देखते हैं। बाहर आपसे एक बात कही थी कि नज़ीर फूड्स खामोशी से धीरे धीरे इन जायकों की रिवायात को मेंटेन करते हुए आगे बढ़ रहा है और अब इतना आगे बढ़ चुका कि आपको अपने इलाके में एक नज़ीर ज़रूर मिल जाएगा। ट्राई कीजिए, बहुत से मशहूर नामों से बेहतर चीज़ सर्व कर रहे हैं। एक चीज़ और रह गई बड़ी अहम, वो है बिरयानी। मुगलई फूड के अंदर बिरयानी को छोड़कर आप नामुकम्मल रहते हैं, तो बिरयानी को जाँचने की कसौटी थोड़ी मेरी अलग है। मैं बिरयानी विदाउट एनी स्पाइसिस को बिरयानी मानता हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन फिर भी बिरयानी चेक करते हैं। चिकन की बिरयानी है, दो चीज़ें हमने मटन की टेस्ट, तो बिरयानी की कसौटी ये कि इसको ना चटनी की ज़रूरत पड़नी चाहिए, ना रायते की, ना अचार की, ये अपने अंदर कंप्लीट होनी चाहिए। खाकर मैं देखता हूँ, उसके बाद बताऊँगा कि ये कहाँ तक पूरी उतर रही है। चीज़ की ज़रूरत ना पड़े, बिरयानी किसी चीज़ की मोहताज नहीं होती है। अच्छा, इसके अंदर जायके कम, खुशबुएं ज़्यादा होती है असली बिरयानी में। बिरयानी के साथ लोगों ने टेस्ट पैदा करने के लिए मसाले वगैरह ऐड कर दिए, लेकिन मेरे ख्याल में बिरयानी सिर्फ खुशबूदार होती है, नमकीन होती है, इलायची लौंग की हल्की हल्की खुशबू और ज़ाफ़रान की खुशबू इसमें होनी चाहिए। केवड़ा, इलायची, हल्की सी ज़ाफ़रान यानी केसर, नमकीन, खुशबूदार, ये सब चीज़ें एक निवाले में मैंने महसूस की हैं। एक निवाला इसके बाद मैं इस रायते से लेकर देखूंगा। वैसे तो वो सिंपल सा रायता है, लेकिन फ़िलहाल ये बिरयानी बगैर रायते के अपनी कहानी खुद कह रही है। किसी चीज़ की इसको ज़रूरत नहीं है, असली बिरयानी ऐसी होनी चाहिए। ये रायते वाला भी एक निवाला लेकर देखते हैं, बहुत खूबसूरत सा रायता है, हल्की सी कुटी हुई मिर्चें पड़ी हुई हैं उसमें, गुलाबी रंग का है, हल्की हल्की बूंदियाँ पड़ी हुई हैं, खाकर देखते हैं। वैसे तो शुरू में भी मैंने ये बात कह दी थी कि पेड रिव्यू नहीं है, मैं फिर से कह देता हूँ कि जिस दिन पेड रिव्यू होगा आपको बता के करूँगा, तभी करूँगा जब वो मुझे पसंद होगा।
फिलहाल ये मुझे पसंद है, परमिशन लेके मैं शूट कर रहा हूँ, आपके लिए शूट कर रहा हूँ, अपने चैनल पे अच्छा कंटेंट दिखाने के लिए शूट कर रहा हूँ। तो आज की इन चारों डिशेज़ में से अगर नंबर दिया जाए तो ऑब्वियसली नहारी को पहला नंबर जाएगा, क्योंकि नहारी पहले तो मुझे पसंद है पहली बात। दूसरी बात ये कि ये मटन की नहारी किसी अंदाज से भी कम नहीं लग रही, क्योंकि मैं मानता हूँ बफेलो की नहारी अच्छी होती है। चॉइस दी जाए कि मुझे मटन नहारी खानी है तो मैं दिल्ली में कहाँ खाऊँगा, तो वो मैं यही चूज़ करूँगा कि नज़ीर की जो मटन नहारी है वो नहारी जैसी है, मुझे पसंद आई। सेकंड नंबर पे बिरयानी भी है, थर्ड नंबर पे ये स्टू भी है, और ये स्टार्टर जो है ये अपनी जगह आप है। रोटी है ख़ास तौर से इनकी खमीरी रोटी, इसका टेक्सचर मुझे बहुत पसंद आया। ये जब ही होता है जब इसके बैटर के अंदर ठीक ठाक लागत लगी हो, दूध वगैरह डलता है, काफ़ी चीज़ें डलती हैं, उसी में ये आटा गूंदा जाता है। मैं नहारी का एक निवाला और लेना चाह रहा हूँ, मुझे नहारी ज़्यादा अच्छी लगी। तो ये रिव्यू था आज हमारा नज़ीर के एक आउटलेट के अंदर घुसने से लेके प्रिपरेशन भी हमने देखी। ओवरऑल आने लायक जगह है, आपके नज़दीक में एक न एक नज़ीर आपको ज़रूर मिल जाएगा। इस नज़ीर को ज़रूर ट्राई कीजिए, और मुझे यानी मोहम्मद याह्या को यहाँ इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।